हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवन द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी, आपका स्वागत है। हेलो सोनी डिजिटल मार्केटर, आज हम आ गए कंटेंट मार्केटिंग कोर्स की कंप्लीट सीरीज में, लेसन 32, हाउ टू मेक एन इंफोग्राफिक्स इन 5 इजी स्टेप। यानी कि 5 इजी स्टेप में आप इंफोग्राफिक्स कैसे बनाएं, आज इसके बारे में कम्प्लीटली जानने वाले हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ की पॉइंट से, और आज का हमारा पूरा फोकस यही है कि किस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि इंफोग्राफिक्स कैसे हम बनाएंगे, वो भी कुछ 5 स्टेप में। और जैसे कि हमने बात भी करी है कि इंफोग्राफिक्स होता क्या है, इसके बारे में आने वाले लैपटॉप में हमने बात करी थी लेसन में, जिसमें हमने समझा था कि इंफोग्राफिक्स होता है क्या और किस तरह से काम करता है। बट अब हम समझने वाले हैं कि इंफोग्राफिक्स अगर हमें अपने कंटेंट मार्केटिंग में बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं 5 स्टेप बताने वाला हूँ, जिनके आप हेल्प से इजीली तरीके से इंफोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंफोग्राफिक्स क्या है। तो जैसे कि आपको पता ही है, इंफोग्राफिक्स जो एक सबसे बढ़िया तरीके से डिजाइन और राइटिंग के साथ साथ एनालिसिस को मिक्स करके बनाया जाता है, उसी को हम इंफोग्राफिक्स के नाम से जानते हैं, जो पूरी तरीके से आपको डेटा को ड्राइवन करता है एक आइडियल वे में। यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट की जाती है, इंफोग्राफिक्स उसी को कहा जाता है। अब जैसे इंफोग्राफिक्स में आप देखते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स आपको मिलते हैं, अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती हैं, अलग अलग एनालिसिस करके बताया जाता है। साथ ही साथ आप देखते हो कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है किन तीन चीजों का, जैसे मैंने आपको बताया डिजाइन राइटिंग एनालिसिस का, यानी कि किस तरह से हम डिजाइन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं किसी चीज के बारे में। ये तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसी को हम इंफोग्राफिक्स के नाम से जानते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इंफोग्राफिक्स को एक सिंपल वे में अपने कंटेंट मार्केटिंग के लिए क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट बनाने से पहले आपको चीज पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी 5 स्टेप है जिनका हम इजिली तरीके से यूज कर पाएंगे, क्योंकि इंफोग्राफिक्स टूल्स की हेल्प से आप इजिली तरीके से इंफोग्राफिक्स आप क्रिएट कर सकते हो, टेम्पलेट डाउनलोड करके और कुछ चीजें एडिटिंग करके अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। बट यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि इंफोग्राफिक्स को हम बनाएं कैसे और किस सिंपल स्टेप को बनाते बनाते हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा, किन बातों का ध्यान रखना होगा कि इंफोग्राफिक्स जब भी हम क्रिएट करें तो क्या क्या चीजें कलर कॉम्बिनेशन से फ्रंट से लेके हर एक चीज क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। देन इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से इंफोग्राफिक्स हमारे कंटेंट मार्केटिंग के हेल्पफुल रहेगा। तो आपको पता ही है कि यार कंटेंट मार्केटिंग अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, हमारा ब्लॉग हम यहाँ पे लिख रहे हैं और किसी स्टैटिकल्स के बारे में बता रहे हैं, किसी चार्ट पैटर्न के बारे में बता रहे हैं, बट अगर हम इंफोग्राफिक्स के थ्रू लोगों को समझाते हैं तो ज्यादा वे में और कम्प्लीटली अच्छी तरीके से लोगों को समझ में आता है, क्योंकि इंफोग्राफिक्स एक विजुअल तरीके से लोगों से कनेक्ट होता है और एक कम टाइम पे ज्यादा अच्छी तरीके से लोगों को समझ में आने लगता है। तो चलिए यहाँ पे हम 5 स्टेप की हेल्प लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है सेट अ गोल एंड चूज एन इंफोग्राफिक्स टाइप। आपको यहाँ पे अपना गोल सेट करना है, साथ ही साथ ये देखना है कि आपका इंफोग्राफिक्स टाइप है क्या, क्योंकि जब भी आप कुछ चीजें बनाओगे या इंफोग्राफिक डिजाइन करोगे तो आपको सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी आता है कि आप सबसे पहली चीज क्या करना चाह रहे हैं, यानी कि किस तरह की इंफोग्राफिक्स अपने कॉन्टेंट मार्केटिंग के लिए अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट करना चाहते हैं आपको समझना होगा। इसी के बारे में लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, रीडर्स को कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे एक पोस्ट या फिर आप बोल सकते हैं इंफोग्राफिक्स हमें क्रिएट करनी होगी। तो इसी तरीके से हमें यह भी समझना होगा कि जो भी हम इंफोग्राफिक्स में देना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनिंग हमें अपने आप से करना होगा। क्वेश्चनिंग इस प्रकार से, व्हाट वुड यू लाइक देम टू गेन फ्रॉम सीइंग योर इंफोग्राफिक्स, यानी कि आपके इंफोग्राफिक्स को देख के सामने वाला पर्सन क्या गेन कर रहा है, क्या उसको फायदा मिल रहा है। हाउ वुड यू वॉन्ट टू रिएक्ट टू इट, यानी कि आपके इंफोग्राफिक्स को देखकर वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। व्हाट वैल्यू विल योर इंफोग्राफिक्स एड टू देयर लाइव्स, यानी कि आपके इंफोग्राफिक्स की वैल्यू देखकर वो किस तरह से अपनी लाइफ में ये वैल्यूज एड कर रहा है, चीजों को समझ पा रहा है, इन्फॉर्मेशन ले पा रहा है आपके इंफोग्राफिक्स को देख के, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी होता है कि जो भी आपका इंफोग्राफिक्स गोल करने का डिजाइन आपने यहाँ पे क्रिएट करा है, गोल्स यहाँ पे आपने बनाए हैं, तो आप उस हिसाब से रिजल्ट तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको ये भी समझना होगा कि आप किस तरह से इंफोग्राफिक्स को डिफरेंट कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप एज ए इंफोग्राफिक्स में सेट कर रहे हैं, डिजाइन के थ्रू लोगों को समझा रहे हैं, तो किस तरह से लोगों पर या आपकी ऑडियंस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसी तरीके से हमें भी समझना है कि इंफोग्राफिक्स में किस तरह से हमारा अपना खुद का गोल है और किस तरीके का इंफोग्राफिक्स टाइप हम यहाँ पर चाहते हैं, एज एनालिटिकल से रिलेटेड चाहते हैं या फिर हम मैसेजिंग के थ्रू कुछ चीजें देना चाहते हैं या कुछ नॉलेज या फिर हम बोल सकते हैं डेफिनेशंस या फिर कुछ अलग चीज हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं, चार्ट पैटर्न के थ्रू एनालिसिस करना चाहते हैं
चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो उस तरह से हमें अपना इन्फोग्राफिक्स टाइप देखना होगा कि हमारा किस फील्ड के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट वे में हमारा इन्फोग्राफिक्स काम करेगा। चलिए इसी तरीके से और भी चीज हम इसे समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक स्मार्ट गोल अप्रोच बता रहा हूँ जिन्हें आप अपने पेन पॉइंट या फिर आप बोल सकते हैं कि आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अचीवल होगा। तो चलिए इसे इन्फोग्राफिक्स का गोल डिसाइड कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं किस टाइप का है, बट यहाँ पे कुछ स्मार्ट अप्रोच आपके लिए अपने गोल के लिए लानी चाहिए। पहला स्पेसिफिक ये है कि वांट माय इन्फोग्राफिक्स टू इन्फॉर्म द रीडर अबाउट द पॉजिटिव राइज इन रिमोट वर्किंग। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो इन्फोग्राफिक्स है वो रीडर्स को किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, किस तरीके की रिमोट वर्किंग यहाँ पर काम कर रहा है। इसी के साथ स्मार्ट का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रिलेवेंट टाइम। तो इसी तरीके से आपको चीज समझना है, जैसे कि हमने स्पेसिफिक तरीके से समझा है कि किस प्रकार के आप स्पेसिफिक चीज लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, रीडर्स को क्या चीजें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसी के बारे में आपको फिर मेजरेबल होना है कि हमारी जो इन्फोग्राफिक्स है वो किस तरह से लोगों के बिजनेस को इंस्पायर कर रही है, किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर लेके आ रही है। इसी तरीके से हमें अचीवल में समझना है कि किस तरीके मैं अपने इन्फोग्राफिक्स में अपने ब्लॉग, अपने सोशल मीडिया और एक आउटरीच स्ट्रेटेजी लगा सकता हूँ, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ रिलेवेंट डेटा जो आप इन्फोग्राफिक्स में दे रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। डेटा जो होता है इन्फोग्राफिक्स का थोड़ा लेस देन, आपको 6 मंथ ओल्ड से लेस देन बस इतना ही रखना है। ऐसा नहीं कि 6 मंथ की पहले बात को आप यहाँ पे डेटा शो कर रहे हैं, तो लेस देन 6 मंथ से कम का डेटा आपको शो करना चाहिए, जिसके थ्रू नए यूजर्स, नई ऑडियंस आपके डेटा आपके इन्फोग्राफिक्स को देखना चाहेगी। इसी के साथ टाइम बाउंड, यानी कि टाइम बाउंड की अगर हम बात करें, जो स्मार्ट गोल्स के लिए बहुत और इम्पोर्टेंट टास्क हो जाता है कि जो भी आप पब्लिश कर रहे हैं अपने इन्फोग्राफिक्स को वो हर एक 2 वीक्स के हिसाब से अपने टाइम बाउंड के हिसाब से आप कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको स्मार्ट गोल्स को अप्रोच को अपनाना है अपने इन्फोग्राफिक्स टाइप में। स्मार्ट का फुल फॉर्म भी आपको पता चली गया, स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रिलेवेंट टाइम बाउंड। इसी तरीके से आप अपने बढ़िया तरीके से इन्फोग्राफिक्स टाइप को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप है प्लान एंड क्रिएट दी कंटेंट। आप किस तरह से प्लान और क्रिएट करके अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो, तो आपने जैसी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करी है, आपने प्लान और क्रिएट करना है आपको अपने इन्फोग्राफिक्स के बारे में कि किस क्या प्लान हम बना रहे हैं, किस तरह का हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको अपने सामने एक डायरी रखनी है, उसके बारे में आपको समझना है कि किस तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपके लिए, अपनी गोल सेटिंग के लिए आपको चूज कर रहे हैं। इसी के साथ आपको इन्फोग्राफिक्स को बनाना होगा और आप जो भी कंटेंट का आपका पर्पस है, लेआउट है, वो भी आपको देखना होगा। तो ओवरऑल कहा जाता है एग्जाम्पल के लिए, अगर आप समझे, अगर आप एक टेम्पलेट चूज करते हैं अपने इन्फोग्राफिक्स के लिए और उसे सेटअप करते हैं एक कंटेंट को, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को कंप्लीटली इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, एक आउटलाइन डेटा और कंटेंट पे प्रॉपर ऑर्डर में आप दे रहे हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, लुक थोड़ा बीट डिफर होगा, यानी कि हर एक चीज के बारे में एक डिपर वे में लिखा जाएगा, तो आपको एक इन्फोग्राफिक्स के थ्रू बढ़िया इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल जाती है। तो आपके थ्रू आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन लोगों को देना चाहते हैं, साथ साथ प्लान कीजिए और उसके बारे में कंटेंट क्रिएट कीजिए कि आप इन्फोग्राफिक्स में किस प्रकार के कंटेंट यहाँ पर दे सकते हो। इसी के साथ हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, अगर हमें कुछ आउटलाइन मैच करनी हो हमारे इन्फोग्राफिक्स स्टाइल के लिए तो क्या क्या होगी, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्रिएट क्लस्टर फ्रॉम द मेन आउटलाइन, यानी कि आपको अपने क्लस्टर के हिसाब से मेन आउटलाइन को क्रिएट करनी होगी। इसी तरीके से टेक नोट ऑफ वेयर यू कैन ऐड डेटा विजुलाइजेशन। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप डेटा के नोट बना रहे हैं वो विजुलाइज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इन्फोग्राफिक्स पे पोस्ट के थ्रू आपने वो डेटा को लिख दिया बट वो विजुलाइज नहीं हो रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक विजुलाइजेशन होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी तरीके से अपने प्लान और कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप है थर्ड, ऑर्गेनाइज एंड विजुलाइज योर डेटा। किस तरह से हम ऑर्गेनाइज और विजुलाइज कर सकते हैं हमारे डेटा को, क्योंकि कंटेंट डेटा दोनों ही डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं दोनों को विजुलाइज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर आप एक कंटेंट की लिस्ट बना रहे हैं ब्लॉग्स की और उस पर आइकॉन्स लगा रहे हैं, कुछ कलर्स नंबर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो सिमिलरली किसके जैसा होगा, एक स्टैटिकल स्निप जैसा हो जाएगा जो ग्रेट डाटा यहाँ पे लोगों को बिटजेस जैसा प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरीके से हमें समझना है कि डाटा विजुलाइज करने के लिए हमारे इन्फोग्राफिक्स में किस तरीके के कंटेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, किस तरीके चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वे में आप देख पा रहे होंगे, कुछ सर्कल्स में ले रहे हैं, कुछ अलग स्क्वायर रूट में, या फिर अलग चीजें आपको ट्रेंगल से लेके हर एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। चार्ट पैटर्न से लेके डेटा आपको देखना है कि आपका विजुलाइज इन्फोग्राफिक्स किस तरह का होना चाहिए, उस हिसाब से आपको
सभी चीजों को सेट करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा। चलिए अब इसी तरीके से और भी चीज हम समझ लेते हैं कि कंटेंट जो डेटा होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन्स और कलर्स के नंबर्स जो होते हैं अलग अलग तरीके से हमें रखना होता है। इसी के साथ अब जैसे हम बात करें क्या क्या आइकॉन्स और कलर हो सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। पहला एरिया चार्ट, आप किस तरह का एरिया चार्ट लगा रहे हैं, बार ग्राफ्स आप किस तरह का यूज कर रहे हैं, कौन सा आर्ट किस तरह से यूज कर रहे हैं, डॉल चार्ट, फनल चार्ट, क्वेज चार्ट, लाइन ग्राफ्स, इसी तरीके से आपको मैक्रो चार्ट का यूज करना चाहिए, पाई चार्ट, पिरामिड चार्ट का यूज कर सकते हैं, राडर चार्ट, इसी तरीके से आप डाटा विजुलाइज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वे के चार्ट और डेटा का आप यूज कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप है फॉर चूज अ टेम्पलेट टू स्टार्ट विथ, यानी कि आपको अपने टेम्पलेट के साथ चूज करके इसे स्टार्ट करना है, क्योंकि आप जो चीज समझना चाह रहे हैं इन्फोग्राफिक्स जो चीज आप क्रिएट करना चाहते हैं एक टेक्निकली तरीके से आपको फिगर आउट करना होगा कि कम्प्लीटली हम टेम्पलेट गैलरी किस तरीके का लेके आ रहे हैं, स्टाइल किस तरीके से अपना रहे हैं, एक प्रॉपर वे में आपको अपने बिजनेस के हिसाब से चीजों को चेंजेस करना होगा, उसी हिसाब से आपको एक कम्प्लीटली कलर कॉम्बिनेशन को लेकर चलना होगा। एडिशनली आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपके लिए सही रहेंगी आपके टेम्पलेट के लिए, कॉन्टेंट टेम्पलेट या इन्फोग्राफिक्स टेम्पलेट के लिए जिन्हें आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको देखना होगा सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज लुक फॉर इंस्पिरेशन, कि आपकी जो पोस्ट या इन्फोग्राफिक्स की जो पोस्ट है उसको देखकर एक इंस्पिरेशन आना चाहिए लोगों को। चूज एन इन्फोग्राफिक्स टेम्पलेट, आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की हेल्प से लेके अलग अलग डिफरेंट साइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गूगल पे, और उसके बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो आपको जरूर देंगे इन्फोग्राफिक्स टूल्स की, जिसके थ्रू आप समझ पाओगे कि किस तरह से हम यहाँ पर एक इन्फोग्राफिक्स टेम्पलेट को चूज कर पाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट आपको मिलेगी, देन इसी तरीके से आप यूज कर सकोगे रेडीमेड कॉन्टेंट ब्लॉग्स का जिसमें कुछ चीजें आपको चेंजेस करनी होती है, तो इसी तरीके से हमें टेम्पलेट के साथ चीजों को चूज करनी है, क्योंकि जितनी बढ़िया टेम्पलेट होगी उतनी बढ़िया तरीके से हमारी इन्फोग्राफिक्स जो है सही इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को देगी। अब इसी के साथ लास्ट एंड फाइव स्टेप है हमारी एड इंगेजिंग डिजाइन एलिमेंट्स। अब हम किस तरह से अपनी इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए किस तरह के डिजाइन एलिमेंट्स हमें रखना होगा, हम ये समझते हैं तो इन्फोग्राफिक्स जो होता है और कंटेंट की जरूरत है, और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज हम बोल सकते हैं कि हमें अपने कंटेंट मार्केटिंग में करना चाहिए। एज ए कंटेंट मार्केटर होने के कारण आपको ये समझना होगा कि किस तरह से हम अपने डेटा लोगों को बताते हैं, लोगों को एक सही वे में कंटेंट यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू देते हैं, उतने ही बढ़िया तरीके से अगर हम थोड़ा सा इन्फोग्राफिक्स लगाए तो और अच्छी तरीके से लोगों का टाइम भी बचता है और वो आपके विजुलाइजिंग अपीलिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। इसी के साथ एक सही डिजाइन एलिमेंट होना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसे बिल्ड भी कर सकते हो, किस तरीके के आप सेट्स का यूज करना चाहते हैं, कलर पैटर्न्स किस तरीके की हैं, फॉन्ट्स का किस तरह से आप यूज कर रहे हैं, आइकॉन्स किस तरीके होने चाहिए, एनिमल्स और इंटरेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये पांचों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि शेप आप किस तरह का यूज कर रहे हैं, कलर पैटर्न्स, फॉन्ट, आइकॉन, एनिमल्स और इंटरेक्टिविटी, तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सही इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए और बहुत बढ़िया तरीके से अगर हमें अपने ब्लॉग पोस्ट पे अपने कॉन्टेंट में हमें यहाँ पे लगाना है तो एक कम्प्लीटली इन सही इन्फोग्राफिक्स होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी के साथ चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम एंगेज कर पाएंगे डिजाइन एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे कंटेंट की जरूरत को हम पिनपॉइंट करना चाहते हैं, कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि किस तरह की डिग्रीज या कौन से वे में हम डिफिकल्ट वे में यहाँ पे चीजों को लेके आ रहे हैं, तो आपको इसे नोट डाउन कर लेना है सभी चीजों को। आई होप कि आप कम्प्लीटली समझ गए होंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर एक कम्प्लीटली इन्फोग्राफिक्स को बना सकते हैं कुछ सिंपल फाइव स्टेप में। आई होप कि आप कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप ध्यान दोगे कि जब भी आप इन्फोग्राफिक्स बनाए तो इन सभी चीज बातों का ध्यान रखें। विश यू द बेस्ट, थैंक यू सो मच।